Language is the recognition of your personality. Greetings everybody, this is Mohan Kumawat, popularly known as English lecturer and motivational speaker. Dear ones, today I'm going to discuss with you about some important questions to communicate with somebody. If you want to communicate with someone, then watch this video till the end. It will definitely assist you. It will build your communication up. So do not waste time. Just look at the board. So the very first question, excuse me, what about you? What can we ask when we want to discuss with someone else? जब हमें किसी व्यक्ति से बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है किसी अजनबी से, तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग में बोल सकते हैं? The very first is, excuse me, what about you? Then in this, अब ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन कौन सा जो चीज है, कौन कौन सी जो बातें हैं वो हम शेयर कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट, हाय माय नेम इज मोहन कुमावत. सेकंड, एंड आई एम फ्रॉम दातारामगढ़ सीकर. सो दो चीजें इसमें हम शेयर कर सकते हैं, हम कहां से बिलोंग करते हैं और अपना नाम क्या है. सेकंड क्वेश्चन, नाइस नेम बाय द वे, व्हाट डू यू डू मिस्टर मोहन? ये आपको ध्यान रखना. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूरा नाम बताना, आपको लोकेशन अगर इसमें बतानी तो आपको बताना अपने जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग. सपोज आप डिस्ट्रिक्ट में हो, तहसील बता सकते हो, या मान लो जैसे आप आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चले गए, आप दौसा चले गए, आप अलवर चले गए, तो आपको सीकर बताना. आप आउट ऑफ अगर मान लो स्टेट चले गए, केरला तमिलनाडु, देन आपको राजस्थान बताना. अगर मान लो आप आउट ऑफ इंडिया चले गए, तो जैसे आप अमेरिका कैनेडा चले गए, तो वहाँ आपको इंडिया बताना. अब सेकंड क्वेश्चन में आता है, नाइस नेम बाय द वे, व्हाट डू यू डू मिस्टर मोहन? इन दिस वी कैन टेल, एक्चुअली आई एम एन इंग्लिश टीचर. तो इसमें अपना प्रोफेशन बताते हैं कि हम क्या करते हैं. थर्ड वन इज ग्रेट, देन वी कैन टेल एंड व्हाट इज योर सिबलिंग्स? तो अच्छा है, अब आप बताइए आपके सिबलिंग्स कितने हैं. सिबलिंग्स मीन सिस्टर ब्रदर. देन हियर वी कैन टेल आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर. रिमेंबर गाइज, इसमें आपको अपने आप को काउंट नहीं करना है, आपके अलावा कितने वो आपको बताना है. फोर्थ वन इज गुड, व्हाट इज योर फैमिली बैकग्राउंड? इसमें आप दो तीन चीजें बता सकते हैं. माय फादर इज अ फार्मर, माय मदर इज अ सिंपली होममेकर, नॉट हाउसवाइफ. आपको सिंपली होममेकर बताना, ना कि हाउसवाइफ. हाउसवाइफ इज नोन एज इनकरेक्ट. फिफ्थ वन इज व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर लाइफ? दिस सो फिफ्थ वन इज देयर, व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम इन योर लाइफ? क्या आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या आपका गोल है? वेल आई वुड लाइक टू बिकम एन इंग्लिश लेक्चरर, दैट वी कैन टेल एट द लास्ट. हमें बात को फिनिश करना तो बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, और इसका रिस्पॉन्स आ सकता है सेम ईयर, यू टू या मी टू. सो गाइज, दीज आर द वेरी जनरल क्वेश्चन. वी कैन यूज दीज क्वेश्चन बिफोर टॉकिंग विद समवन एल्स. So guys, keep learning English with the Silent Teacher and subscribe my channel, the Silent Teacher, and hit the bell icon. I will meet in the next video with a new topic, with some new phrases, with some new sentences. Till then, you take care. Bye.